हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नीटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हमें थोड़ी थोड़ी सी ऊन बची हुई है, ये लगभग आधा मीटर कोई 1 मीटर टुकड़े बचे हुए हैं ऊन के, है ना? क्योंकि आपको पता ही मैं डिजाइन बनाती रहती हूँ, इससे हम आज बहुत यूज़फुल आइटम बनाएंगे, है ना, क्रोशिया से। तो मेरा रोज वाला क्रोशिया ले लिया मैंने, 2.5 mm का और ये 4 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये ऑरेंज कलर की उंगली ली और ये अंगुली दिख रही है फर्स्ट वाली, इस अंगुली पर यहाँ से इस तरह से लपेट लें, 1, 2, 3 ये 4 ये 5, 5 वाला लपेट लिए। आज हम मैजिक रिंग नहीं बनाएंगे, रिंग बनाएंगे लेकिन मैजिक रिंग नहीं बनाएंगे, 5 वाला लपेट लिए। अब देखिए क्रोशिया हुक मैंने इस रिंग में डाल दिए और ये ऊन खींच ली अंदर से और यहाँ एक चैन बना ली। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रही है रिंग, दिख रही है ना? अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, क्रोशिया हुक के ऊपर ये ऊन ली और इस तरह से अंदर डाला, ये 3 हो गए, 1, 2, 3 फंदे हो गए, 3 का 1 कर देंगे। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं, मालूम है ना? बताती हूँ, देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, फिर ये ऐसे लिया क्रोशिया पर ऊन और ये इस तरह से 1, 2, 3 फंदों का 1 कर दिया है, तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। तो मैं इस रिंग को फ्रेंड्स, ये जो रिंग बना रही हूँ मैं पूरी, इस रिंग को मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी, पूरा भर लूँगी इस रिंग को। ये रिंग को मैं हाफ डबल क्रोशिया 3 का 1 करते हुए ये पूरा रिंग भर लूँगी, मैं रिंग को कवर कर दूँगी। ठीक है, पूरा करके मिलते हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस रिंग को हाफ डबल क्रोशे से पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। अब ये जो फर्स्ट चैन ली थी उसमें मैं इसको क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच ले लूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट में मेरे को अब नेक्स्ट राउंड के लिए मैं ग्रीन कलर की ऊन जोड़ूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं पहले नेक्स्ट वाले चैन में ये डाल दूँगी क्रोशिया हुक और इस तरह से मैं फ्रेंड्स, है ना, ये जोड़ लूँगी, टूटा हुआ निकल के। ये देखिए क्रोशिया हुक डाल के फ्रेंड्स मैं इस तरह से ये इस तरह से निकल रहा है फ्रेंड्स, 1 मिनट ये यानी नीचे से करूँगी। ठीक है, इसका भी जोड़ने का तरीका फिनिशिंग आती है उससे। ये देखिए इस तरह से पीले पीले धागों को, पीले ऊन को खींचूंगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली चैन में मैं ऐसे सिंगल क्रोशिया ले लूँगी, फिर नेक्स्ट वाली चैन में मैं सिंगल क्रोशिया, एक बार ही डालना है और एक बार ही निकालना है, ये इस तरह से 2 फंदों का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये सेकंड राउंड में बाउंड्री को सजाने के लिए मैं सिंगल क्रोशिया से इसको सजा लूँगी, पूरे राउंड को इस तरह से क्रोशिया को डाला, ये निकाला और ये 2 का 1 कर दिया। सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, तो मैं ये बना लेती हूँ, सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ अपन को क्या करना है। ये देखिए मिलते हैं इसको कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंगल क्रोशे से इसकी बाउंड्री को सजा लिया है रिंग की, और लास्ट में आ गए, लास्ट में मैंने यहाँ एक और स्लिप स्टिच लेके इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ हूँ
कट कर लेती हूँ। कट करके फ्रेंड्स ये येलो वाले ऊन है ना, इसको यूँ पीछे लेके देखिए इस तरह से पीछे लेके इस तरह से मैं इसको यहाँ ये दोनों को नॉट से टाई कर लूँ, बांधूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से ये मैं ये ऊन कट कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने यहाँ ये मल्टी कलर के ऊन खूब पड़ी है मेरे पास, चार रिंग बना ली। ठीक है, चार रिंग बना लिए फ्रेंड्स। अब मैं इनका यूज़ कैसे करूँगी ये अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेड कलर की ऊन ली, ये डिब्बी ले ली खाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आई हूँ इस तरह से ये ले लूँगी, ऊन लपेट लूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फ्रेंड्स देखिए यहीं से लेते हुए ये मैं ये लपेट के बना लूँगी, इसका इसका लटकन बना लूँगी, फुन्ना कह दो लटकन कह दो, बीस वाला लपेट के ये इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए। और ये वाली ऊन है ना, इसको मैं लेके बाहर ऊपर तक ले जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसको यूँ निकाल लूँगी ऊपर से, है ना, और इसको मैं खोल लूँगी। अब ये देखिए, ये हमारा इसका इसके लटकन बन के तैयार हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, लटकन हमने बहुत टाइट कर लिए, और इसी को मैं यहाँ डाल दूँगी। और यहाँ ये ऊन कट करके नीचे वाली, और यहाँ से इसको और अच्छी तरह से बांध कर सिक्योर कर दूँगी फ्रेंड्स। ये इस तरह से जैसे लटकन बनाते हैं मालूम ही आपको। ठीक है, और यहाँ काट दे के ये ना मैंने मेरी ये लटका तैयार कर दी। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी आगे देखिए। ये दो ऊन है इधर से इस तरह से काट के ये लटकन हमारी तैयार हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारी इसकी लटकन तैयार हो गई। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन रिंगों से बहुत यूज़फुल आइटम बनाना बताऊँगी आपको, बता रही हूँ मैं। ये मैंने तीनों ये लगा लिए है ना, तीनों रिंग लगा ली, और इनको मैं यहाँ ग्लू गन से सजा लूँगी, चिपका के इनको सजा लूँगी। ठीक है, दो तीन तरीके बताऊँगी। ये मैंने लगा लिया, ये इसकी लटकन लगा दी, तो ये हमारा की चेन मिरर वाला, दोनों तरफ मिरर लगा के मैं की चेन बना लूँगी इसका। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सुंदर लगेगा, लेकिन मैं यहाँ भी मिरर नहीं लगाऊँगी, मिरर नहीं लगाऊँगी फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ और चीज़ लगाऊँगी। तो मैंने सुई में पिरो लिया है ऊन, लगा के बताती हूँ आपको किस तरह से क्या लगाने। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सुई ऊन पिरो लिए, इसके नीचे से डाल देंगे, इसको डाल कर ऊपर निकालेंगे ये इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल लिए। अब एक ये बीड्स ले लेंगे, ये बीड्स लेके फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये मोती पिरो दिया,
मोती पिरो दिया है। अब फ्रेंड्स ये जो हमने बनाई है ना रिंग, इसके इधर से यूँ डालते हुए यहाँ यूँ निकाल देंगे ऊपर तक, है ना, ये इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, फिर एक मोती पिरो लेंगे, ये मोती 300 फीट हो गया। अब इसी के ऊपर ऊपर निकाल देंगे फ्रेंड्स, पीछे से ये इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। ठीक है, फिर मैं ये दूसरे जोड़ लेती हूँ, एक मोती बीच में लगा देती हूँ। फिर ये ग्रीन वाला जोड़ लेती हूँ मैं इस तरह से, और इस तरह से मैं अपना ये तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। कीचेन देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो रहा है ना। इसमें इन दोनों में मोती पिरो के इसका फाइनल लुक बताती हूँ फ्रेंड्स, अच्छा बन रहा है ना, बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने की चेन बना के तैयार कर लिया है, बीड्स लगा के कितनी सुंदर रिंग बनी है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी मात्र, जरा जरा सी ऊन से मैंने ये रिंग बना के तैयार कर ली, और ये ऊपर की मोती डाल के मैंने की चेन बना लिया। नीचे मैंने ये फुन्ना लटकन लगा ली। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कितना सुंदर बना है। एक तो मैंने मिरर का आपको बताया, एक ये बीट से भी तैयार कर सकते हैं, एक मैंने ये एक्स्ट्रा बना के रखी है इसके लिए बताती हूँ। जैसे आपका ये कोई कपड़ा है या चुन्नी है, तो इसको आप इस तरह से लगाकर और इस तरह से यहाँ ग्लूगन से इसको चिपका कर यहाँ सिलाई करके इसको आप जोड़ सकते हैं। तरह तरह की रिंगें बनाकर लेस भी बना सकते हैं, और यूँ कॉर्नर पर यूँ लटकन लगाकर और एक रिंग लगाकर चुन्नी को भी सजा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, और नहीं तो ये आपकी चैन तो बना ही डाले हैं बैठे बैठे बच्ची हूँ उनसे, है ना, कितना सुंदर बना फ्रेंड्स, देखिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, बेल बटन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो, एज ए किचन भी इसको, एज ए वॉल हैंगिंग भी इसको आप यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में। ठीक है, इधर से मैं थोड़ा ये बड़े बन गए, इनको मैं कट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये उन्हें कट कर दिए, है ना। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक एंड शेयर माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए फ्रेंड्स, लटका हुआ ऐसा लगेगा ये, है ना, कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया तो, और इसको माथा पट्टी भी बना सकते हैं, मल्टी कलर की रिंग लगा के माथा पट्टी भी बना सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज की ये रिंगे बनाने सिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।